जदयू पार्टी जो है गायब हो जाएगी कुछ दिनों बाद। आप देखिए जदयू पार्टी जो है गायब हो जाएगी कुछ दिनों बाद। आप देखिए वो है ही नहीं तो फिर टिट्टी हम लोग को आगे कर देंगे। और हम तो मीडिया के लोग हैं बेचारे, कितना ही लोग लिखने का कोशिश करते हैं, छापने का कोशिश करते हैं, लेकिन इन लोगों को भी डराया धमकाया जाता है। हम लोग तो बोलते हैं कि हम आप लोगों के साथ हैं, आप डरिए मत, खुल करके लिखिए, खुल करके लिखिए। ये लोग हिम्मत करके साहस करके ये लोग दिखाते भी हैं, लिखाते भी हैं, लेकिन आप बताइए नीतीश कुमार जी जो है अभी पूरी तरीके से बोलते हैं हम कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एक एक चीज देखते हैं, सुबह वहीं से सब कुछ तय होता है, लोगों पे प्रेशर आता है। तो हम लोग देखिए सब लोग जो है ये मौजूदा जो डबल इंजन की सरकार है, क्या फायदा हुआ? बिहार को स्पेशल पैकेज मिला? नहीं मिला। स्पेशल राज्य का दर्जा मिला? नहीं मिला। 15-15 लाख रुपए खाते में आए? नहीं आए। काम हुआ क्या? तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? हम तो पूछना चाहते केंद्र सरकार वेंटिलेटर जो है इस महामारी में लड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो मशीन है उस कितना है बिहार के पास और कितना मोदी जी ने भिजवाया है, साफ बताओ। तो इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए आज जो है सिद्दीकी जी ने बात कही है, बड़ी बात कही है, इस पर हम मीडिया के लोगों का भी अटेंशन डालना चाहेंगे। इन्होंने कहा कि जदयू में अब कोई बचने वाला है नहीं, सब भगदड़ हो रखा है। जदयू पार्टी जो है गायब हो जाएगी कुछ दिनों बाद। आप देखिएगा कई जदयू के नेता, कार्यकर्ता, विधायक, कई एक मंत्री जो है वो अपने सरकार से खुश नहीं है, भगदड़ की स्थिति मचने वाली है। हमको तो ज्यादा इस पे नहीं बोलना, आप लोगों का बस हाथ खुला रहे, देखते रहिएगा क्या होता है। लेकिन हम लोगों से पूछा जाता कि चुनाव कब होगा, चुनाव कब होगा, चुनाव होगा तो क्या आपका क्या रहेगा, आप चाहते हैं चुनाव हो? ये महामारी में चुनाव की बात करना तो ठीक नहीं है, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टी भी है, चुनाव होगा तो लड़ना ही पड़ेगा। हम लोग तैयार रहे ना रहे, लेकिन बिहार की जनता तैयार है सरकार को खाकर देखेगी।